नमस्कार दोस्तों, अहिल्या हिंदू कथाओं में वर्णित एक ऐसी स्त्री पात्र है जिसके साथ छल पूर्वक बलात्कार भी किया गया और उसे ही अपने पति के श्राप के कारण पत्थर की शिला भी बनना पड़ा। आज इस वीडियो में जानते हैं पूरी कहानी। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अहिल्या ऋषि गौतम की पत्नी और ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। भगवान ब्रह्मा ने अहिल्या को बहुत खूबसूरत बनाया था। इन्हें वरदान था कि इनका यौवन सदा बना रहेगा। अहिल्या इतनी सुंदर थी कि स्वर्ग की अप्सराएं भी इतनी सुंदर नहीं थीं। इन्हें पाने की इच्छा सभी देवताओं की थी। ब्रह्मदेव ने एक शर्त रखी कि जो भी ये शर्त जीतेगा उसी के साथ अहिल्या का विवाह किया जाएगा। अंत में यह शर्त महर्षि गौतम ने जीती और अहिल्या से विवाह किया। अहिल्या की सुंदरता पर देवराज इंद्र पहले से ही मोहित थे, लेकिन शर्त हार जाने के कारण वो कुछ नहीं कर सके थे। इंद्र का मन अहिल्या को पाने के लिए तड़प रहा था और काम वासना से पीड़ित इंद्र उनसे संबंध बनाने के लिए व्याकुल हो रहे थे। लेकिन समस्या यह थी कि अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी और गौतम ऋषि के होते हुए यह संभव नहीं था। एक रात इंद्र ने एक मायाजाल रचा। इंद्र मध्य रात्रि में ही मुर्गे की आवाज में बांग देने लगे। महर्षि गौतम को लगा कि सुबह हो गई है। वह भ्रमित हो गए और वह स्नान करने के लिए नदी की ओर निकल गए। इंद्र ने माया से ऋषि गौतम का स्वरूप बनाकर अहिल्या के पास पहुँचे। गौतम के वेश में इंद्र ने अहिल्या से प्रणय निवेदन करना शुरू कर दिया। देवी अहिल्या इंद्र के असली रूप को पहचान न सकी। पति समझकर इंद्र के प्रणय निवेदन को स्वीकार कर लिया। इंद्र की कामुक इच्छा पूरी हो गई। जब इंद्र कुटिया से बाहर निकलने लगे उसी समय गौतम ऋषि आ पहुँचे, क्योंकि गंगा स्नान करते ही उन्हें गंगा जी ने सब कुछ बता दिया था कि अभी सुबह नहीं हुई है, यह सब इंद्र का मायाजाल है। इसलिए उन्हें कुछ अनहोनी की शंका हुई थी और जल्दी ही वो वापस पहुंचे थे। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि इंद्र ने उनकी पत्नी अहिल्या के साथ पाप कर्म किया है। क्रोधित होकर ऋषि गौतम ने इंद्र को शाप दे दिया कि जिस स्त्री की योनि से तुम्हें इतना प्रेम है ऐसी ही हजार योनियां तुम्हारे पूरे शरीर में बन जाएं और तुम नपुंसक बन जाओ। साथ ही ये भी कहा कि कभी इंद्र को सम्मान की नज़रों से नहीं देखा जाएगा और ना ही तुम्हें कोई पूजेगा। जब अहिल्या को सत्य का ज्ञान हुआ तब स्वयं पर बहुत क्रोधित हुई। अहिल्या की कोई गलती नहीं थी, उनके साथ तो बहुत बड़ा छल हुआ था। लेकिन महर्षि ऋषि गौतम अत्यंत क्रोधित थे। उन्होंने अहिल्या को जीवन भर पत्थर की शिला में बदल जाने का शाप दे दिया। लेकिन जब महर्षि गौतम का क्रोध शांत हुआ और उन्हें एहसास हुआ कि अहिल्या की इसमें तो कोई गलती नहीं थी, परंतु वे अपना शाप वापस नहीं ले सकते थे। उन्होंने कहा कि जिस दिन तुम्हारी शिला पर किसी दिव्य पुरुष के चरण पड़ेंगे उस दिन तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और तुम अपने पूर्व स्वरूप में आ जाओगी। इतना कहकर महर्षि गौतम तपस्या करने हिमालय की ओर निकल गए। युगों बीतने के बाद जब महर्षि विश्वामित्र अयोध्या से प्रभु राम और लक्ष्मण को लेकर आए तब ताड़का वध के बाद वो यज्ञ के लिए आगे बढ़ रहे थे। तभी प्रभु राम की नज़र एक वीरान कुटिया के पास पड़ी, उस शिला पर पड़ी। वे वहां रुक गए और उन्होंने महर्षि विश्वामित्र से पूछा कि ये जगह और ये शिला इतना रहस्यमय क्यों प्रतीत हो रहा। तब विश्वामित्र जी ने पूरी कथा प्रभु राम जी को सुनाई और कहा, हे राम, आज कई युगों से पत्थर की शिला बनी अहिल्या आपके चरण स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही है, अतः आप इस शिला को चरणों से स्पर्श करो और अहिल्या का उद्धार करो। प्रभु राम ने जैसे ही शिला को चरणों से स्पर्श किया शिला एक सुंदर स्त्री बन गई। देवी अहिल्या प्रभु राम का वंदन करती हैं और उनसे कहती हैं कि महर्षि गौतम हमें क्षमा कर दें और फिर से अपने जीवन में हमें स्थान दें। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, महर्षि गौतम आपसे बिल्कुल क्रोधित नहीं हैं, क्योंकि आप निर्दोष थे, इसलिए वे दुखी हैं। आपकी प्रतीक्षा में महर्षि गौतम तपस्या कर रहे हैं। इतना कहा और सीता स्वयंवर के लिए आगे बढ़ गए।
इस तरह अहिल्या का उद्धार हुआ और उन्हें पुनः गौतम ऋषि के साथ पत्नी रूप में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।